फरीदकोट की कोऑपरेटिव शुगर मिल जो पिछली कांग्रेस सरकार दौरान बंद कर दी गई थी और जिसको दोबारा चालू करवाने के लिए लगातार संघर्ष किया जा रहा है, लेकिन इसे दोबारा चालू करवाने में किसी भी सरकार की तरफ से दिलचस्पी नहीं दिखाई गई। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा चुनाव से पहले एक रैली की शुरुआत इसी मिल से की थी, जहां उन्होंने खड़े होकर ऐलान किया था कि पंजाब में कांग्रेस सरकार के आते ही इस शुगर मिल को दोबारा चालू करवाया जाएगा। लेकिन अब इस मिल को दोबारा चालू करवाने की जगह जहां से भोगपुर के लिए शिफ्ट किए जाने का काम शुरू हो गया है और जहां से सामान निकाल कर ले जाया जा रहा है। बड़े अफसोस की गल है जी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह इलेक्शन विच इसी जगह ते हेलीपैड ते उतर के वायदा करके गए थे कि पंजाब की यह फरीदकोट की शुगर मिल बंद नहीं की जाएगी, लेकिन एक साल में जिदा गुटका साहब फड़ के नशियां की झूठी सौं खाधी आ, इदा ही साड़ी मिल के नाल लोगों ना धोखा किया वा। इसलिए मैं अज सारियां जथेबंदियां ते आम आदमी पार्टी ने अज धरना दिता वा। साड़ी पुरजोर कोशिश होगी कि यह मिल जी ये बंद ना हो, क्योंकि कितने ना कि पिछे मनसूबा इनू प्राइवेट सैक्टर किसी राणे गुरजीत वर्गे ठग न दे देंगे मिल तो पंजाब के लोगों का नुकसान हो जाए। और अमरिंदर सिंह एक पास कह कि फसली चक्कर चो कणक झोने चो मैं पंजाब नूं कढ़ना चाहुंदा, तो दूजे पासे आ खंड मिल बंद करके इत्थे जिन्नी फरीदकोट की गन्ना बेल्ट है उसनूं बर्बाद करन ते तुले होए ने। इसलिए और इत्थे रुजगार लोगों तो खोया जा रहा वा। इस मिल मिल जिहड़ा इहदे च को जनरेशन प्लांट है 5 मेगावाट बिजली पैदा करती सी। मेरा ख्याल है ये जे 20-25 करोड़ रुपया खर्चा जाए तो इस मिल नूं नवीं करके पंजाब दे विच लोगों नूं चलाया जा सकदा, रुजगार पैदा होगा, फसलों के डाइवर्सीफिकेशन विभिन्नता आऊगी, सारा पंजाब का जमीनी पानी जो 14 लाख ट्यूबवैल कड़ रहा वो बचेगा और बहुत सारे घर के डायरैक्ट तो इनडायरैक्ट जो फायदा होना जरा लखा परिवारों तक इसकी सहूलत पहुँचेगी। इसलिए अच्छ सारे ने रल मिल के धरना दिता। देखो मैं संघर्ष कमेटी को असी उन्होंने छड़िया गल कि सानू जिथे मर्जी मोहरे छोड़ लियो, आम आदमी पार्टी के 20 MLA कोई संघर्ष चंडीगढ़ CM के घर घेरना वा, झंडा मार्च कढ़नी आ, डांगा खानियाँ, पानी की बौछाड़ खानी असी नाल आ, क्योंकि ये लोक हित का मामला, ये कल्ला कोई एक पार्टी का मामला नहीं गा, ये पब्लिक इंटरेस्ट का इशू। इसलिए असी इसलिए लड़ाई पुरजोर जो भी फैसला ये लैणगे असी इन्हां दे नाल आ। बिल्कुल। देश विदेश टीवी के लिए फरीदकोट से गगनदीप सिंह और अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। नवियां अते ताज़ियां खबरां देखण लई साडे YouTube चैनल देश विदेश टीवी नूं लाइक शेयर सबसक्राइब किया जाए।